वेलकम अगेन। दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ पीसीआर। कि हमने देखा कि पीसीआर में यहाँ तक क्या हो रहा है। देन अगेन वी इंट्रोड्यूस द टेम्परेचर, इंक्रीज करते हैं हम टेम्परेचर तो हमें सेगमेंट मिलते हैं। फिर अगेन हम 55 डिग्री सेल्सियस पे लाते हैं टेम्परेचर, तो प्राइमर अटैच हो जाते हैं आके। दिस इज़ अ प्राइमर, ओके। जैसे प्राइमर अटैच हो गए, वी अगेन इंक्रीज टेम्परेचर करते हैं, 72 पे लाते हैं। तो यहाँ पे हमें सेगमेंट्स मिलना चालू होते हैं डीएनए के। वी कैन एम्पलीफाई दिस सेगमेंट ऑफ डीएनए बाय यूजिंग दिस टेक्निक। दिस इज अ वेरी वाइटल टेक्निक। हम 28 साइकिल चला सकते हैं इस तरह से। अप टू द 28 साइकिल हम डीएनए को एम्पलीफाई कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ दैट, जो डीएनए में ग्वाइनिन और एडेनिन, इन आई थिंक दैट जिसमें भी ग्वाइनिन और एडेनिन ज़्यादा होता है, दे टेक अ टू मच एनर्जी। जैसे कि यहाँ पे हमने 91 लिया और 94 के बीच में, लेकिन इन केस ऑफ यहाँ पे ग्वाइनिन और एडेनिन अबंडेंट है इन दिस सेगमेंट, तो इट टेक मोर टाइम फॉर डीनेचुरेट। वट अबाउट द टाइम, ये रखते हैं हम फॉर नियर अबाउट 1 मिनट के लिए। दिस इज अ 45 to 50 सेकंड के लिए हम ये रखते हैं। एंड दिस स्टेट फॉर 3 मिनट। ये जो स्टेप है 3 मिनट। सो रिव्यू क्या होता है, देखिए पीसीआर में, पीसीआर करने के लिए हमें तो सबसे पहले प्राइमर चाहिए, सबसे पहले डीएनए सेगमेंट पता होना चाहिए। दिस इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए जो हमको एम्पलीफाई करना है, पर्टिकुलर सेगमेंट। हम इसमें नियर अबाउट 100 to 35,000 तक के बेस पेयर, किलो बेस पेयर तक का डीएनए हमें एम्पलीफाई कर सकते हैं। एक्चुअली इट्स अ बेस पेयर, 1,000 से 35,000 तक का जो फ्रैगमेंट है डीएनए का, उसको हम एम्पलीफाई कर सकते हैं। दिस इज अ की क्लियर केस के आप लिए। आपको नो सेगमेंट लगेगा, डीएनए पॉलीमरेज लगेगा, सॉरी पॉलीमरेज लगेगा जो थर्मस एक्वेटिका नाम के बैक्टीरिया से हम निकालते हैं। देन वी रिक्वायर दी प्राइमर डीएनए को जो अटैच होता है। द प्राइमर हैज़ नियर अबाउट 70 to 80% सिमिलरिटी विद दिस सेगमेंट। ये सेगमेंट के साथ वो 70 से 80% सिमिलरिटी, और वो जो होना है 17 से 30 न्यूक्लियोटाइड का बना होना चाहिए। इट्स कंटेन 70 to 30 न्यूक्लियोटाइड्स एंड नॉट लेस दैन। दिस इज ऑल अबाउट द पीसीआर। आई होप दिस वीडियो इज हेल्प यू।